करता हूँ काम लेता हूँ रोकड़ा, करता हूँ काम लेता हूँ रोकड़ा, क्योंकि मेरा नाम है चोपड़ा। हाँ, भैंस पूंछ उठाएगी तो गाना नहीं गाएगी, गोबर ही करेगी, क्योंकि शंभू का दमाग दोधारी तलवार है। अजगर नाम है मेरा, मैं डसता नहीं हूँ, सीधा निगल जाता हूँ। अगर आप लोगों ने तालियां नहीं बजाई तो नंगा नाएगा क्या, अर्थ छोड़ेगा क्या। थैंक यू। बातें आपके सामने पेश कर रहा हूं। मैंने आपसे पहले कहा कि मैं उलास नगर से हूं और वहां सब सिंधी भाई हैं, मेरे यार दोस्त हैं। मेरा एक दोस्त है इंदर वासवानी। जब मैंने सबसे पहली बार कार खरीदी तो मैं मीरा रोड से गया उलास नगर। इंसान जब पहली कोई न्यू चीज लेता है तो अपने पुराने दोस्तों के साथ जाके शेयर करता है कि मैं उसको खुशी बताऊं कि मैंने ये चीज ली है। तो एक मेरा दोस्त है इंदर वासवानी, मैं उसके पास चला गया उलास नगर कार चला के। बोला, वासवानी जी कैसे हो? थोड़ा मैं भी ढांट में, लेकिन उसने मेरे साथ कैसे बर्ताव किया? अभी क्या ड्राइवर का नौकरी करता है क्या? किसका गाड़ी चलाता है? बोला, मेरी खुद की गाड़ी है यार, मैंने ली है। अच्छा अच्छा, ये गाड़ी तुमको चलाना आता है? बोला, मीरा रोड से चला के लाया हूँ उल्लास नगर तक, मेरे को डाउट हो रहा है यार, चल मेरे को एक चकड़ खिला। बोला, आओ बैठो। बैठा। अभी राइट टर्न लो, अभी लेफ्ट टर्न लो, अभी यू टर्न लो। मैं बोला, इतनी परीक्षा तो उस हवलदार ने भी नहीं ली थी, आरटीओ वाले ने, जिसने मुझे लाइसेंस दिया था यार। अच्छा, अभी इधर सीधा खड़ा करो, ज्यादा बात नहीं करो। हमने गाड़ी खड़ी की। आओ इधर, एक सेठ रहता है, उससे तुमको भी मिलाता है, देख के तुमको खुश हो जाएगा। अभी तुम बॉम्बे जाके एक्टर बन गया है ना, और टाइम पे आया, मेरा ऑटो रिक्शा का पैसा बच गया यार। हम लोग चार कदम चले, मेरे को बोलता, ठहरो, इधर से गाड़ी चोरी तो नहीं होएगा ना? मैं बोला, नहीं, क्यों? उसमें मेरा रुमाल पड़ा हुआ है यार। यही मैं उलास नगर से निकलता था बैग लेके, तो एक पीए टेलर था, मुझे हमेशा बुलाता, अरे इधर आओ इधर आओ इधर आओ, ये बैग लेके जा रहा है, मना कॉमेडी करने जा रहा है? नहीं। बोला, हाँ, बैग में बताओ ना कॉमेडी का क्या क्या सामान लेके जाता है। अरे, मैं बोला, बैग में कॉमेडी का सामान नहीं होता है। तो क्या है फिर? तो कोट है। तो कोट से कैसा कॉमेडी करता है तुम? मेरे पास इतना ग्राहक लोग का कोट पड़ा है, मैं कॉमेडी नहीं कर सकता है, तुम एक कोट से इतना कॉमेडी करता है? अच्छा, चल, तू तो घर का आदमी है, जानी लीवड़ का बहुत नाम है। नहीं, जानी लीवड़ को अगर मैं इधर बुलावे उलास नगर में तो कितना पैसा ले लेंगा? मैं बोला, 10 लाख। 10 लाख? अभी एक्टिंग छोड़ के क्या गुंडागर्दी पे आ गया है क्या? पेमेंट मांगता है, हफ्ता मांगता है, उसको बोलो बॉम्बे में इड़े, इधर आने का जरूरत नहीं है उलास नगर में। इधर हम 1000 रुपए में 10 डुप्लीकेट जानी लीवर खड़ा कर सकता है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने इतनी तालियां बजाई। 4 दिन पहले मैं एक शो करने गया था, कोई ताली नहीं बजा रहा था, पीछे एक चाचा अकेला बैठ के ताली बजा रहा था। मैंने कहा, वाह चाचा, आप समझदार हो, मेरे हर बात पे ताली बजा रहे हो। चाचा ने कहा, चुप कर, मैं ताली थोड़ी बजा रहा हूं, मैं तो तंबाकू मल रहा हूं। थैंक यू वेरी मच, और एहसान भाई के लिए जोरदार तालियां। आज जो मुझे सौभाग्य मिला है यहाँ आने का, वो एहसान भाई की वजह से मिला है। जरा जोरदार तालियां। थैंक यू वेरी मच। दामिनी जी और हमारे अपने अदनान सामी, ऑन द स्टेज सर, वो सारा मिल जाए।